तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रमीत और आज हम चला रहे हैं ये रेनो की ट्राइबर। अब जब ये कार लॉन्च हुई थी तब इसमें सिर्फ एक मैनुअल गियरबॉक्स अवेलेबल था। अब कंपनी ने इसमें एक AMT गियरबॉक्स इंट्रोड्यूस किया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको ट्राइबर AMT के बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो आइए चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड के बारे में। और सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसको मिलता है ये जो बॉनेट लाइन, जो हुड लाइन है, ये गाड़ी को काफ़ी मस्कुलर एक अपील देती है सामने से। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इसको बहुत सारा क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है। आप देख सकते हैं क्रोम ग्रिल पे मौजूद है, एक बड़ा सा क्रोम का लोगो है, क्रोम हेडलाइट के अंदर भी है जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है उसको। और यहाँ पे आपको ये फॉगलाइट हाउसिंग के चारों तरफ आपको क्रोम मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फॉगलाइट नहीं मौजूद है। ये जो आप देख सकते हैं ये इसके LED DRLs हैं और इसको एक प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है हेडलाइट में। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है ये पूरा हैलोजन का सेटअप है, इसको LED नहीं मिलता है। बेसिकली गाड़ी के बाहर जो पूरी लाइटिंग सेटअप है एक्सेप्ट ये जो DRL है पूरी हैलोजन है। और गाड़ी को अगर आप सामने से देखेंगे तो स्पेशली ये कलर में और ये क्रोम ब्लैक और सिल्वर फिनिश में काफ़ी अच्छी लग रही है सामने से। तो आइए बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो AMT वर्जन है ये जो हम लोग चला रहे हैं और जो मैनुअल वर्जन था, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कंपनी ने कुछ नहीं चेंज किया है बाहर अंदर, एक्सेप्ट वो जो AMT गियरबॉक्स है, उसके अलावा कोई भी एक्सटीरियर और इंटीरियर चेंजेस गाड़ी में नहीं हुए हैं। तो इसको मिलता है ये सेम बॉडी कलर ORVM। यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा, ये ब्लैक कलर के व्हील आर्चेस हैं तो क्लैडिंग है, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड अगर आप इस गाड़ी में एक फीचर है मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें कीलेस एंट्री है लेकिन यहाँ पे कोई बटन अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही आप गाड़ी से दूर जाते हैं, मैं सुना गाड़ी लॉक हो गई। अब मैं जैसे ही गाड़ी के पास जाऊँगा, ये भी सुना आपने, तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। तो अगर आपके हाथ में कुछ सामान है तो आपको बटन भी दबाने की जरूरत नहीं है, बस गाड़ी के पास आइए और डोर खुल जाएगा। फीचर काफ़ी अच्छा है बट कभी कभी थोड़ा सा अनॉय करता है कि अगर आप गाड़ी के पास खड़े हैं या गाड़ी से दूर जा रहे हैं या फिर पास से निकल भी रहे हैं तो गाड़ी अपने आप लॉक होगी और अनलॉक हो जाएगी। एनीवे कंटिन्यूइंग, यहाँ पे इसको मिलता है ऊपर की तरफ ब्लैक आउट रूफ रेल जिसपे आप लगेज कैरियर माउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका रूफ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो ये रूफ ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है थर्ड रो के लिए AC का जो डक्ट है, एयर वेंट्स है, वो दिए गए हैं। और इसमें साइड में कोई आपको क्रोम फिनिश नहीं मिलता, जैसे कि आगे और पीछे थोड़ा, आगे काफ़ी क्रोम है, पीछे थोड़ा है, लेकिन साइड प्रोफाइल जो है वो ये पूरा ब्लैक आउट है। एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको बैजिंग मिलेगा जो कि RXZ है, जो कि ये आपका वेरिएंट बैज है। ये AMT वर्जन जो है 3 वेरिएंट में अवेलेबल है और ये जगह पे आपको उसका वेरिएंट का बैज मिलेगा। काफ़ी ऑड जगह है यहाँ पे लिखने के लिए, जो गाड़ी के पीछे होता है, पर एनीवे यहाँ पे आपको वेरिएंट बैज मिल जाएगा। और ये जो टायर्स है दोस्तों, ये MRF के टायर्स क्या ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। ये टायर प्रोफाइल है 185/65R15 15 इंच के स्टील व्हील्स है। हाँ दोस्तों, इसको आप अलॉय व्हील से कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि ये एक्चुअली अलॉय व्हील्स की तरह लगते हैं बट ये 5-स्पोक स्टील व्हील्स हैं। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ध्यान से तो ये जो व्हील कैप है इतने अच्छे से लगाया गया है कि दूर से ये एक्चुअली स्टील व्हील लगता ही नहीं है, ये एक अलॉय व्हील लगता है। तो दोस्तों ये थी रेनो ट्राइबर AMT का साइड प्रोफाइल, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। साइड में कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको साइड में से गाड़ी कैसी लगी एंड काफ़ी बड़ी गाड़ी है, क्या सोचते हैं आप। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में। और यहाँ पे आप सबसे पहले चीज नोटिस करोगे इसको मिलता है एक स्लीक सा टेल लैम्प यूनिट। यहाँ पे ये LED नहीं है, ये भी हैलोजन है। LED का एक स्ट्रिप आपको यहाँ पे मिलेगा। तो DRL और ये जो है यहाँ पे जो ब्रेक लाइट का स्ट्रिप है, ये दोनों बस LED है, बाकी गाड़ी में और कुछ भी LED नहीं मौजूद है। आपको यहाँ पे मिलता है एक रनो का बैच, ट्राइबर का बैजिंग, यहाँ पे फिर से एक रनो रिटर्न जो, और वहाँ पे आपको EZR और एनर्जी का बैच मिलेगा। जो EZR का बैच है वो आपको सिग्निफाई ये करता है कि ये एक AMT वर्जन है। आपको यहाँ पे रेयर पार्किंग कैमरा सेंसर्स के साथ मिलेंगे जो कि काफ़ी एक्यूरेट है और पार्किंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। बूट खोलने के लिए आपको बस एक बटन दबाना है और बूट अपने आप खुल जाएगा थैंक्स टू द हाइड्रोलिक स्ट्रट्स। आप देख सकते हैं ये सीट फोल्डेड डाउन है, तो इसको हम एक बार ऊपर कर लेते हैं। और एक बार ये थर्ड रो ऊपर हो गया तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि काफ़ी कम जगह है। अब यहाँ पे इसको 84 लीटर ऑफ बूट स्पेस मिलता है जो कि बहुत ही कम है, हार्डली एक सूटकेस ही आ पाएगा इसमें या फिर दो पतले पतले बैग आ जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से ये सीट को फोल्ड डाउन कर दें और ये सीट जो है बाहर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक हुक है, इसको आप ऐसे करके खींचेंगे तो ये पूरा का पूरा सीट जो है बाहर आ जाएगा। और रेनो ने एक डेडिकेटेड बैग दिया है जहाँ पे आप ये सीट निकाल के बैग में रख के घर पर रख सकते हो अगर आपको पीछे जगह चाहिए। तो एक बार ये सीट
फोल्ड डाउन हो गए और यार निकल आए बाहर, तो आपको मिलता है 625 लीटर का बूट स्पेस, जो कि 84 लीटर से बहुत ज़्यादा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका बूट लिड जो है बंद करने में काफ़ी लाइट है, डिफिकल्ट नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ट्राइबर जो है पीछे से भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो जी हाँ, अब हम आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे रेनो ट्राइबर AMT की, और सबसे पहले मैं आपको इसका इंजन एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक 999 cc जो कि एक लीटर का इंजन है, और ये एक 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो कि एक 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स से मेटेड है। अब पावर फिगर्स की बात करें तो ये 72 bhp ऑफ पावर एंड 96 nm ऑफ टॉर्क निकालती है गाड़ी। ये पावर और टॉर्क फिगर्स बहुत अच्छे तो है नहीं है, बट ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एंड अगर आप डेली कम्यूट के लिए गाड़ी चाहते हैं तो ये परफेक्ट गाड़ी है, काफ़ी बड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है। आइए चलिए बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो जैसे आपको पता है कि पावर और टॉर्क फिगर्स तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट कंपनी ने वेरिएबल वाल्व टाइमिंग लगाया इसके इनटेक और एग्जॉस्ट में। वो कंपनी क्लेम करती है कि थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है इसका वो थोड़ा ब्रिस्क और क्रिस्प, मतलब थोड़ा सा आप पेडल लेते ही थोड़ा परफॉर्म ज़्यादा करें। वो तो ठीक है, परफॉर्म तो करती है, बट कंपनी ने ये भी बोला है कि उसने ये जो गियर बॉक्स है AMT गियर बॉक्स, इसको ट्विक किया हुआ है, तो कि जो बाकी के AMT गियर बॉक्सेस हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है परफॉर्म करने में, ये वाला लैग कम है। बट चला के पता ये चल रहा है कि थोड़ा सा तो है बेटर, लेकिन लैग उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है। गियरबॉक्स काफ़ी लैग करता है शिफ्ट्स के दौरान, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड जितना, और अगर डाउनशूट भी कर रहे हैं तो वो काफ़ी लैग करता है। अगर आपको ओवरटेक करना है किसी को, तो जैसे मान लीजिए अभी मैं एक बार एक्सेलरेट करूँगा और मैं करीब 35 पे चला रहा हूँ, मैं जैसे एक्सेलरेट करूँगा अब देखिएगा रेव हो जाएगी इंजन, लेकिन गियर शिफ्ट बाद में होगा। ये देखा आपने, इंजन पहले ही रेव हो गई और शिफ्ट बाद में किया। तो ये जो है अगर आप एक ओवरटेक करना चाह रहे हैं हाईवे पे हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बाकी दोस्तों सस्पेंशन सेटअप गाड़ी का जो है काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है, एंड सारे बम्स और पॉटहोल्स और स्पीड ब्रेकर जो भी ये शहर को ऑफर करना है हमको, वो सब ये गाड़ी अब्सॉर्ब कर लेती है। अब क्योंकि सस्पेंशन सॉफ्ट है तो गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल आ चुका है। आप देख ही सकते हैं कि बॉडी रोल, मतलब अगर कुछ ज़्यादा ही बॉडी रोल है एक्चुअली। अंदर थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा है बिकॉज इनगेज लेवल इंसुलेशन थोड़ा सा कम है गाड़ी में, बट इंजन लो रेव्स पे तो बहुत ही शांत है, ज़्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही आप फुट डाउन करेंगे उस पर आपको अंदर इतनी ज़्यादा आवाज़ आने लगेगी। अब देखिए कुछ ज़्यादा ही आवाज़ है अंदर, तो इंसुलेशन थोड़ा सा और अच्छा कर सकती थी कंपनी। सामने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुली डिजिटल है, काफ़ी अच्छा ओल्ड स्कूल टाइप का डिजिटल क्लस्टर है। एंड जो रीड आउट है MID स्क्रीन है बीच में, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है, डिस्टेंस टू MT, आपने कितने किलोमीटर चला लिया, कितना फ्यूल यूज़ कर लिया है, ट्रिप मीटर्स, आप किस गियर पे हो, आप अगर मैनुअल पे आप चला रहे हो तो किस गियर पे हो, एंड जो आपका रेव काउंटर है जो कि RPM मीटर है, टैकोमीटर, वो 6000 तक है और गाड़ी पूरी 6000 तक रेडलाइन होती है और 6000 तक दिया और 6000 तक जाती है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मतलब एक्चुअली एक उंगली से आप स्टीयरिंग को एक उंगली से आप यू टर्न ले सकते हो, इतनी ज़्यादा लाइट है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो उसको मिलता है एक 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर काफ़ी डिसेंट है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और क्या चाहिए आपको, रिवर्स पार्किंग कैमरा, और उसमें गाइडलाइंस भी मौजूद हैं लेकिन अडेप्टिव नहीं है वो, अब भैया इतने पैसे में इतना ही मिलता है, अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं है। बट ओवरऑल गाइज अगर आप बिल्ड क्वालिटी देखें तो प्लास्टिक मटेरियल सारा प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, हार्ड प्लास्टिक मटेरियल है, बट प्लास्टिक की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, इट्स गुड क्वालिटी प्लास्टिक। एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट पे जो है आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा, ये एक कपड़े का मटेरियल है, ये सॉफ्ट टच नहीं, मतलब हल्का सा कपड़े का मटेरियल है, ताकि अगर आप अपना हाथ ऐसे करके रख सकें तो डायरेक्टली प्लास्टिक से कांटेक्ट में ना आए और आपको मतलब तकलीफ ना आए। और सेम चीज़ स्टीयरिंग व्हील पे की गई है, स्टीयरिंग व्हील पे सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है ताकि स्टीयरिंग व्हील का जो फील है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो। एंड काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग व्हील है, हल्का सा फ्लैट बॉटम भी है इसमें, तो थोड़ा सा आपको वो स्पोर्टी फील आएगा इसमें। अब रियर AC वेंट्स जो है वो ऑन करने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है, उससे जो है कैबिन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। AC काफ़ी अच्छा है इसका, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है गलत गाड़ी में, इतनी बड़ी गाड़ी है एंड स्टोरेज स्पेस जो है वो इनफ है। यहाँ पे सेंटर कंसोल के नीचे, उसके ऊपर, गियर लीवर के नीचे ऊपर, दोनों डोर पॉकेट्स पीछे, मतलब
जगह की कमी नहीं है गाड़ी में, अंदर से एक्चुअली गाड़ी काफी बड़ी लगती है, बाहर से भी बड़ी है ही है, बट आई एम रियली इम्प्रेस गाइस। आई मीन अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ड्राइवर इज द बेस्ट कार एट दिस प्राइस रेंज, एंड मैनुअल और ऑटोमेटिक में जो प्राइस डिफरेंस का फ़र्क है वो है मात्र 40,000 रुपये। जी हाँ, आपने सही सुना, 40,000 रुपये में आपको एक ऑटोमेटिक मिलेगी और बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ है, मैनुअल जैसी की वैसी है और बस इसमें AMT गियरबॉक्स आ गया है। बट उससे एक ड्रॉबैक हुआ है कि माइलेज पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। कंपनी ने क्लेम किया है कि ये कुछ 18-18.5 के आसपास, ये जो AMT वर्जन है ये 18-19 तक मैक्स टू मैक्स एवरेज दे सकती है, लेकिन मैनुअल का क्लेम करते थे कि 20-21 देगी, तो माइलेज के फ्रंट में थोड़ा सा जो है ड्रॉप हुआ है। बट ओवरऑल गाइज अगर आप हाईवे पे चलाएंगे तो आपको ये गाड़ी पेट्रोल है आराम से आपको 15-16-17 अगर आप 80-90-100 पे भी क्रूज कर रहे हैं तो उतना मिल जाएगा। तो एक लीटर के इंजन के लिए थोड़ा सा कम है बट उतना भी खराब नहीं है। तो दोस्तों ये थी रेनो की ऑल न्यू ट्राइबर AMT। अब इस गाड़ी के प्राइसेस जो है वो 7.3 लाख से स्टार्ट होते हैं एंड 8.5 लाख तक जाते हैं, जो कि ये RXZ वेरिएंट का प्राइस है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का प्राइस है। एंड ये दोनों प्राइसेस जो है मैंने बोले हैं वो सारे एक शोरूम है। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करें, हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मैं प्रवीण साइन आउट कर रहा हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी सेफ।